देखिए अब वहाँ पटन देवी से हम आगम कुइयां आ गए हैं। यहाँ पर आगम कुइयां में आ गए हैं, आप देख सकते हैं पीछे। हाँ देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं माता के दर्शन करने के लिए, माता आगम कुआं के पास। आप लोग भी माँ का दर्शन करिए। बहुत सारे कमेंट में आ रहे थे कि माँ आगम कुआं का दर्शन कराने के लिए, और माँ किस रूप से जानी जाती है आगम कुआं में, ये अभी सब आपको अंदर जाके मैं बताऊंगी। चलिए दोस्तों, चलिए मैं अब प्रसाद लेने चलती हूँ। चुन्नी लिया है, नारियल है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है। सबसे श्रृंगार उनका रुहड़ का फूल, माता रानी को श्रृंगार रुहड़ का फूल होती है। आई सब को जो चढ़ाते तो हम लोग अपना श्रद्धा से चढ़ाते हैं, लेकिन माँ का श्रृंगार सिंदूर और लाल रुहड़ का होता है। चलिए मैं मंदिर में चलती हूँ, और जो जो रहस्य वहाँ का है आपको बताने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक हमको जानकारी होगी जरूर मैं आपको बताऊँगी। चलिए मैं मंदिर चलती हूँ। दोस्तों आपने देखा कि माता का कुआं के पास मैं हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। ये माता का कुआं है जो पूर्वज से चला आता है आया है। इनको कितना भी इनको बंद करने की कोशिश की गई, अंग्रेजों के ज़माने से ही है हमारे इनका मतलब उत्खनन कराया गया, बाकी इनका बंद नहीं हुआ। और नामी माता है माँ शीतला, जैसे कि आप देख सकती हैं मैया के बारे में। पटन देवी से हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आगम कुआं आए हैं, और इसलिए हमारी आंटी जो है पूजा कर रही हैं। देख सकते यहाँ पहले आगम कुआं आते हैं तो पहले कुआं के पास ही पूजा करते हैं और माँ से। देखिए पहले कुआं का पूजा हम कर लिए हैं, और कुआं का पूजा करके अब मंदिर में हम जाएंगे। मंदिर में जा रहे हैं, सबसे पहले शीतला माता का विघ्न माता का पूजा होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माता विघ्न माता हो इनका नाम है विघ्न मैया। यहाँ पर पहले पूजा करके तब शीतला माता के पास हम लोग अंदर में जाएंगे। शीतला माता का ये मंदिर है, वहाँ है ये शीतला माता है। इनके मतलब समझिए कि गांव की ये देवी है। इनका शस्त्र जो है झाड़ू है, सवारी गधा है, चेचक जो भी होता है ना, चेचक का ही हरने वाली बीमारी जो भी हुआ माँ हर लेती है। बस्योड़ा दो बार होता है साल में, इनका बस्योड़ा पूजा दो बार होता है, एक चैत में जो कि बीत चुकी है, एक आषाढ़ में होती है। लोग रात में जाग के पकवान बनाते हैं, और उसके बाद सुबह में तप रहे हैं तो लोग इनके ठंडा करने के लिए नीम के पेड़ में शरबत बना के डाला जाता है ताकि माँ ठंडा रहे। चौराहा जो पूजते हैं, जो वहाँ एथी करते हैं, वो तो आपका अलग पूजा हो गया, वो तो साल में एक बार आप जाते हैं, और वही चौराहा पूज करके फिर आप लोग शीतला माता के आते हैं पूजने के लिए। ये परंपरा सदियों से चली आई रही है। आप जो भी दिल से मनोकामना मांगिए माँ पूर्ण कर देती है। बहुत लोग को पूर्ण हुआ है और हो रहा है सच्चे दिल से। जब भी आइए, जब भी की हो, अभी नवरात्र कल से चालू होने वाले हैं, बहुत लोग श्रद्धालु यहाँ आएंगे। फिर आपका आशीन नवरात्र में भी काफी भीड़ लगती है, मेला उला लगती है। जो भी मांगना है माँ से सच्चे दिल से मांगिए। जय माता। देखिए हमारे बाबा बहुत कुछ बताएं, और आप लोगों को तो सब मालूम हो ही गई होगी। चलिए मैं अब अंदर पूजा करती हूँ। अंदर माता विघ्न के नाम से जाना जाता है, और अंदर हमारी माता रानी की वहाँ भी पूजा कर किया जाता है। चलिए अंदर के अंदर। पाताला काट के तीरैया हे मैया, केतनो तू लुकबुए मैया, केतनो तू छिपाबुआ हे मैया, केतनो ना जइबुआ हे मैया, बिना रे दर्शनवा के ना जइबुआ हे मैया। पूजा करे चल पैबे
बेटा पो तो ही आया है मैया, बेटिया रमादावाया है मैया, देखी के गुफा में समाया है मैया। ये अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है, सम्राट अशोक का यहाँ कुआं, जिसमें अपने 99 भाई को उन्होंने काट के डाल दिए थे। लोग कहते हैं कि तह कहना भी है, पानी का रहस्य आज तक पता नहीं चला है कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, गहराई आज तक पता नहीं चली है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैं माता रानी का दर्शन करा के और कुआं के बारे में बताना चाहती हूँ। मागम कुआं बहुत ही नामी है। देखिए दोस्तों, अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया यह कुआं है, माता गम कुआं के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के सारे जितने भी भक्त लोग आते हैं माता से पहले गम कुआं का दर्शन करते हैं। अशोक सम्राट द्वारा बनाया, इतने गहरा है ये कि आज तक इसको कोई उत्खनन करा नहीं सका, इसको ऊपर की ओर नहीं ला सका है। पानी को बहुत ही उछाने की कोशिश की गई थी, आधे काल से नहीं मतलब कि पुरुषों से चला आता हुआ ये माता रानी का गमकुआ दरबार है, जिससे बहुत सारी खुशी का आदमी माता यहाँ पर हर चेंज होते रहती हैं। और बरसात है या गर्मी, कभी भी पानी कम ना होती है, बराबर पानी रहती है। अब बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर पूजा वूजा कर करके हम लोग को। और चलिए अब मैं बता दूं, जाने यहाँ कितने सोने खजाने होंगे अंदर में दबे हुए कि आज तक कोई उत्खनन कर पानी को खत्म करके कुछ पा नहीं सका। कि माँ का बहुत ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आज तक कभी किसी के द्वारा ये मतलब पानी को पाछा नहीं गया है। इसलिए हम इतना कहेंगे दोस्तों, आप लोग और जो जानकारी चाहिए आप YouTube चैनल पर सर्च मार के देख सकते हैं, लाइक करें सब्सक्राइब। जितने हमारी जानकारी हुई उतना आपको बता चुके हैं दुनिया के बारे में या माता रानी के बारे में, आपको सब कुछ बता दिए हैं। अगर जो मेरे वीडियो आपको पसंद आएगा और जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जय जय माता दी लिखिएगा। फिर मिलेगा नए वीडियो के साथ। फिर एंड कर रही हूँ, जय माता दी।